हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम के वर्ल्ड स्टूडेंट्स हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू हमें खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो तो स्टूडेंट अगर इसी तरह हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे स्टूडेंट हमने आपके सभी जो सिलेबस है एट्थ क्लास का आई का तो उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं आपको जो भी वीडियो चाहिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिखा होता है ना होम वीडियो और प्लेलिस्ट ठीक है तो प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से कोई भी जो वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकते हो स्टूडेंट हम एट्थ क्लास का ट्वेंटी वन चैप्टर जो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वो कर रहे थे आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे चैप्टर की हम 21.1 और 21.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं आज हम 21.3 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन से सम हैं इस एक्सरसाइज में से जो आपको एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में और आगे भी आ सकते हैं नाउ स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आप एरिया ऑफ पैरलोग्राम रोम्बस एंटरपीजियम जो है वो करोगे नाउ स्टूडेंट ये याद रखना है आपने एरिया ऑफ पैरोग्राम जो है किसके इक्वल होता है बेस इंटू हाइट ठीक है और एरिया ऑफ रोम्बस जो है ये वन ओवर टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स ठीक है डी वन इंटू डी टू डी वन क्या है फर्स्ट डायगनल और डी टू सेकेंड डायगनल ठीक है ये एक रोम्बस की शेप है और ये इसके क्या है डायग्नल्स एरिया किसके इक्वल होगा वन ओवर टू डी वन डी टू नाउ स्टूडेंट पैरलोग्राम के बारे में आप जानते हो कि इसके पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरलर होती हैं और जो ट्रिपीजियम है नेक्स्ट हम एरिया ट्रिपीजियम का करेंगे तो उसके लिए शेप देखो उसकी वन साइड वन ऑपोजिट साइड पेयर जो वन पेयर है वो पैरलर होगा और जो ऑपोजिट ये वन पेयर जो है वो क्या होगा नॉन पैरलर ठीक है ट्रिपीजियम में ये स्टूडेंट इसकी क्या है अल्टीट्यूड ठीक है परपेंडिकुलर हाइट तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम जो है वो क्या होगा वन ओवर टू पैरलर साइड्स इनटू हाइट जो साइड्स पैरलर होंगी उनका सम ठीक है मान लो एक साइड ए है दूसरी बी तो वन ओवर टू ए प्लस बी इंटू एच जो है वो होगा एरिया ऑफ ट्रिपीजियम तो स्टूडेंट ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो आपने लर्न करने हैं इस एक्सरसाइज में ये आपको यूज़ होने हैं ठीक है अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी तो फर्स्ट है एरिया ऑफ पैरोग्राम इक्वल टू बेस इन टू हाइट नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बाय हीरोन्स फार्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था ना ठीक है पहले सेमी सेमीपेरीमीटर एस फाइंड आउट करके देन स्क्यर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ए बी सी यहाँ पे क्या हैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्लियर नेक्स्ट है एरिया ऑफ रॉम्बस वन ओवर टू डी वन इंटू डी टू डी वन क्या है फर्स्ट डायगनल, डी टू क्या है सेकेंड डायगनल. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इक्वल टू वन ओवर टू समर साइड इंटू हाइट ठीक है वन ओवर टू ए प्लस बी इंटू एच क्लियर इनको अच्छे से लर्न करो नाउ स्टूडेंट फर्स्ट हम देखो इफ द एरिया ऑफ पैरोग्राम इज दिस एंड द हाइट ऑफ पैरोग्राम इज टू थर्ड ऑफ इट्स बेस फाइंड द हाइट ऑफ पैरलोग्राम एंड सेकेंड पार्ट बेस तो यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है हाइट और बेस हमने फाइंड आउट करना है नाउ स्टूडेंट इस सम में उसने हाइट जो है वो बेस का टू थर्ड पार्ट दिया है ठीक है तो बेस हमें पता नहीं है तो बेस हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे बेस फाइंड आउट करना है ना तो लेट बेस इक्वल टू बी सेंटीमीटर ठीक है तो हाइट कितनी होगी टू बाई थ्री इन टू बी एरिया ऑफ पैरोग्राम का फॉर्मूला लिख दोगे बेस इन टू हाइट अब एरिया हमें गिवन है ठीक है तो उसको बेस ये फिल करके बी और हाइट टू बाई थ्री बी फिल कर देंगे यहाँ पे इक्वल कर देंगे एरिया के नाउ यहाँ पे आ गया हमारे पास 384 एट्टी फोर इक्वल टू बी इंटू टू बाय थ्री बी तो ये बी इंटू बी बीस क्योर हो गया ठीक है ये सॉल्व द क्वेश्चन कर लोगे इसको टू बाय थ्री जो है इस तरफ आके रेसिप रोकल हो जाएगा उलट जाएगा तो बीस केयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बीस केयर इक्वल टू थ्री एट्टी फोर इंटू थ्री बाय टू ठीक है अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करके देखो कितना आएगा कटिंग करो नाउ यहाँ पे टू से कटिंग करके ये 192, 192 को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आ सिक्स ठीक है नाउ ये बी स्केयर है तो अगर स्केयर हम हटाएंगे तो जो बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट 576 तो स्केयर रूट आता है आपको फाइंड आउट करना ठीक है हमने जो थर्ड चैप्टर है स्केयर रूट का वहाँ पे सीखा हुआ है 576 ठीक है जहाँ तो प्राइम फैक्टर मेथड से या डिवीजन मेथड से किसी तरह भी आप कर सकते हो ये पेयर बनाओगे इधर टू टू जा पता है आपको कि कौन सा टेबल देखना है हमने है ना वन वन ज टू टू जी थ्री ज़ा वो वाला ठीक है अब कितना आ गया वन और ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे नाओ ये जितना टू है वहाँ पे तो टू ही ऐड करेंगे फोर आ गया अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 176 सेवेंटी सिक्स आए तो फोर के साथ अगर हम फोर लिखें यानी कि फोर्टी फोर को फोर के साथ करें तो वन सेवेंटी सिक्स आता है ठीक है तो ये आ गया हमारे पास स्केयर रूट कितना ट्वेंटी फोर ठीक है ये आ गया b इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ठीक है क्योंकि बेस है ना बी हमने लेट किया था तो बेस आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर ना हो यहाँ पर टू ओवर थ्री इंटू बी ये 24 फिल कर दोगे आपके पास हाइट आ जाएगी ठीक है हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे देखो एच इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू ट्वेंटी फोर ये कटिंग होगी एट पे एट टू 16 तो यहाँ पे सिक्सटीन सेंटीमीटर आ गई हाइट यही हमने फाइंड आउट करनी थी इजी है ना क्लियर स्टूडेंट अब फटाफट से लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी बेनिफिट ले सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें अपनी नाउ स्टूडेंट सेकेंड सम देखो टू एड साइड्स ऑफ ए पैरलोग्राम आर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड थर्टी टू सेंटीमीटर इफ़ वन ऑफ डायगनल इज़ फोर्टी सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ पैरलोग्राम नाउ स्टूडेंट लेट ए बी सी डी इज ए पैरलोग्राम ठीक है तो ये साइड्स दी हुई हैं उसने ये एक थर्टी टू एक ट्वेंटी फोर और ये डायगनल जो है वो फोर्टी ठीक है तो स्टूडेंट ये जो पैरलोग्राम है ये दो ट्राइंगल्स हैं इसमें बन रही अगर स्टूडेंट अगर हम ये वाला एरिया जो है ट्रैंगल का फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही एरिया ये भी होगा सेम ही क्योंकि हमें पता है कि जो पैरोग्राम होती है उसके ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं ठीक है अगर ये ट्वेंटी फोर है तो ये भी ट्वेंटी फोर ये थर्टी टू है तो ये भी थर्टी टू होगी ठीक है तो फिर से ये भी एक वैसी ट्राएंगल बन जाएगी तो इन दोनों का सेम एरिया आएगा ठीक है तो जितना एरिया इसका आएगा उसको टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो, वो एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ पैरोग्राम तो स्टूडेंट बाय बाई फार्मूला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो कितना इजी है वो तो है ना पहले एस फाइंड आउट करेंगे एस मीन सेमी पैरीमीटर कैसे सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू तो तीनों साइड को ऐड करके टू से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा आपके पास एस आ गया फोर्टी एट सेंटीमीटर ठीक है नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाईन फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्केर ठीक है Now, S, A और b एस ए वैल्यू फिल कर दोगे यहाँ पे फोर्टी एट इन टू फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी फोर फोर्टी एट माइनस थर्टी टू फोर्टी एट माइनस फोर्टी तो ये आ जाएगा फोर्टी एट यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया यहाँ पे स्केयर रूट फोर्टी एट ये माइनस किया ट्वेंटी फोर माइनस करके सिक्सटीन इनको माइनस किया तो एट तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आप पेयर बनाओगे ठीक है स्केयर रूट में हमें पता है कि पेयर बने तभी बाहर निकाल सकते हैं रूट से हम वो नंबर तो यार देखो कैसे बनाओगे फोर्टी एट को आप लिख सकते हो सिक्स एट सा फोर्टी एट ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे एट हमें नजर आ रहा है ना तो वो पेयर बन जाएगा उसके साथ नाओ तो स्टूडेंट ये जो ट्वेंटी फोर है फोर इंटू सिक्स ठीक है ये सिक्स के साथ पेयर बन जाएगा इसका नाओ ये सिक्सटीन फोर इंटू फोर सिक्सटीन और ये एट ठीक है देखो अब ये एट का भी पेयर बन गया सिक्स का भी बन गया और ये फोर का भी तो पहले बाहर आएंगे सिक्स इंटू एट इंटू फोर ठीक है नाउ ये जो फोर बचा तो स्टूडेंट फोर जो है वो किसका रूट होता है टू का है ना टू इंटू टू ये टू इंटू टू फोर होता है ना तो एक टू बन गया फेयर इंटू टू बाहर आ जाएगा ठीक है नहीं तो एक और स्टेप लिखो वहां पे रूट में फोर लिख के टू इंटू टू लिखो उसको देन नेक्स्ट स्टेप में उसे बाहर फाइन निकाल लो टू को ठीक है लेकिन आप सीधे भी लिख सकते हो ऐसे ही फोर का टू ठीक है नाओ इन सबको मल्टीप्लाई करो अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राएंगल नाओ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वेयर क्लियर नाओ ये एक ट्राएंगल का आया है हमने पैरलोग्राम का फाइंड आउट करना है एरिया तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम आ जाएगा एरिया ऑफ पैरोोग्राम इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल तो टू मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड एट्टी फोर सेंटीमीटर स्केयर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा आंसर क्लियर कितना इजी है ना बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा है. ये स्टूडेंट जो फर्स्ट सम है ये आपको लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है ठीक है ये फर्स्ट सम इसको दोबारा से रिपीट करो और अच्छे से इसकी तैयारी करो मे भी दोबारा भी आ जाए है ना कई बार वही सम जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं नाउ थर्ड सम देखो द लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ रोम्बस आर इन रेशो अब डायगनल की लेंथ जो है रेशो में दी हुई है और इट्स एरिया इज दिस एरिया दिया हुआ है और साइड वो कह रहा है फाइंड आउट करो नाउ स्टूडेंट लेट कर लोगे कि डाइग्नल जो रेशो में है डी वन फाइव एक्स और डी टू फोर एक्स ठीक है, एरिया आपको गिवन है तो हमें फॉर्मूला पता है रोमबर्स का एरिया वन ओवर टू डी वन इंटू डी टू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, किसके इक्वल आ गया के, ठीक है? नाउ फिल कर दो यहाँ पे फाइव एक्स और फोर एक्स ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फाइव फोर जै ट्वेंटी ओवर टू एक्स इक्वल टू जो है टेन पे कट रहा है ट्वेंटी एक्स स्क्स ओवर टेन ये टेन जीरो जीरो के साथ कटगी एक्स स्क्र जो है टू ट्वेंटी फाइव तो नाउ स्टूडेंट टू ट्वेंटी फाइव जो है हमें पता है किसका स्केयर ठीक है किसका होता है फिफ्टीन का है ना फिफ्टीन इन फिफ्टीन को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करो तो टू ट्वेंटी फाइव तो देअर फोर एक्स इक्वल टू स्केयर रोड टू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है ये आ गया x हमारे पास नाओ यहाँ से हम d1 d2 फाइंड आउट कर लेंगे x के फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को तो ये आ गया हमारे पास d1 75 सेवेंटी सेंटीमीटर और d2 60 सेंटीमीटर ठीक है नाओ स्टूडेंट यहाँ पे ये डायगनल आ गए दोनों हमारे पास ठीक है अब उसने हमें और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था जो साइड है रोम्बस की वो फाइंड आउट करनी है ये वाली तो ये अगर डायगनल हमें गिवन हो तो स्टूडेंट ये जो है एंगल बनाते हैं नाइन्टी का राइट right एंगल ठीक है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे ठीक है डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल क्लियर तो राइट right एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक ट्राएंगल है ना राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड अगर हमारे पास हो तो तीसरी साइड हम हाईपोटिन्यूज जो है ये इसकी बाई पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है हमने ऐसे सम है ना अगर आपने अच्छे से समझे हो तो तो स्टूडेंट ये जो डाइगनल हैं ये बाईसेक्ट कर रहे हैं इट मींस अगर ये वाला जो है सेवनटी फाइव है तो ये इसका हाफ होगा ठीक है ये सिक्सटी है तो ये जो ओ बी है वो इस पूरे का हाफ होगी ठीक है इन दोनों को हाफ कर लें तो ये वाली साइड्स हमारे पास आ जाएंगी तीसरी साइड हम बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर लेंगे नाउ डी वन सेवेंटी फाइव ओवर टू और डी टू सिक्सटी ओवर टू ठीक है ये कितना आ जाएगा हमारे पास इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ये थर्टी सेंटीमीटर ठीक है नाउ इन राइट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी यहाँ पे ए बी स्क्र इक्वल टू ओ ए स्क्र प्लस ओ बी स्क्र तो यहाँ फिल कर दो ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी सेवन पॉइंट फाइव का स्क्र प्लस थर्टी का स्क्वेयर ठीक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे थर्टी सेवन पॉइंट फाइव को थर्टी सेवन पॉइंट फाइव के साथ ही तो आपके पास 1406.25 आएगा और इधर 30 को 30 से थ्री नाइन ठीक है 900 क्लियर अब दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास 2306.25 आएगा ना ए बी स्क्र है इस तरफ तो ए बी कितना आ गया स्केयर रूट ठीक है और इसका स्केयर रूट अब फाइंड आउट करोगे रफ में अभी सीखा ना आपने ठीक है तो स्केयर रूट जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ए बी जो है वो आंसर आएगा 48.02 सेंटीमीटर ठीक है साइड ही हमने फाइंड आउट करनी थी तो देअर फोर साइड ऑफ इज दिस क्लियर नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम जो है इम्पोर्टेंट सम है ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है ठीक है और नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है तो देखो इसको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम साइड्स आर दिस एंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज फोर सेंटीमीटर एच हमें गिवन है और दो पैरलर साइड जो हैं ठीक है वो गिवन है हमें तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे एरिया नाव ऐसे लिख लो लेट ए बी और एच जो आपको गिवन है ठीक है एरिया ऑफ का फॉर्मूला वन ओवर टू समर साइड ए प्लस बी इन एच ठीक है अब फिल कर दो ए बी और एच के प्लेस पे वैल्यूज नाउ इसको सामने ऐड करो ऐड करके रफ में सामने आपके पास आएगा थर्टी फोर पॉइंट फोर ठीक है इनटू ये वाला फोर अब ये टू जो है फोर के साथ टू पे कट रहा है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 68.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर इजी है ना है भी इजी और एग्जाम में भी आ सकता है ठीक है प्रैक्टिस करो इसकी नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ भी ऐसे ही है एरिया रिपीजियम का फाइंड आउट करना है पैरल साइड गिवन है और डिस्टेंस जो है वो गिवन है वो ऐसे लेट कर लोगे ए बी और ये एच जो गिवन है वैल्यूज हमें ठीक है एरिया ऑफ रिपीजन का फार्मूला लगा दोगे वो ए बी एच की वैल्यू फिल कर दो वन ओवर टू इंटू सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी इंटू नाइन पॉइंट सिक्स ठीक है इन दोनों को ऐड करो कितना आया ऐड करके थर्टी सिक्स इंटू नाइन पॉइंट सिक्स ओवर टू अब कटिंग कर लो ये कटिंग हो रही है यहाँ पर 18 पे 18 को 9.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 172.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर ये दोनों सम जो हैं इजी हैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों में से आपको एक पेपर में जरूर आएगा नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सिक्स सम जो है लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरलर साइड वन साइड दी हुई है ट्रिपिजम की ठीक है जो पैरलर है उसमें से और डिस्टेंस दिया हुआ है आपको और क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ठीक है एरिया गिवन है और वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड एक साइड उसने दे दी ना पैरलर साइड की दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है नाउ स्टूडेंट लेट ए इक्वल टू एट्टी बी को बी लेट कर लो और एच जो है फोर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रिपीजन गिवन है हमें टू फिफ्टी सिक्स ठीक है नाउ इस तरफ फॉर्मूला लगा दो वन बाई टू ए प्लस बी इन टू एच इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स ठीक है ये वन ओवर टू ए कितना है एट्टी बी हमने फाइंड आउट करना है इन टू एच फोर टू फिफ्टी सिक्स के इक्वल ठीक है ये टू के साथ ये फोर टू पे कट गया ठीक है ये आ गया एट्टी प्लस बी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना टू इस तरफ तो सोल्व देशन है तो दूसरी तरफ जाके टू क्या हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स से पहले डिवाइड ठीक है अब कितना आंसर आएगा देखो दोनों को डिवाइड करके आपके पास 128 आ गया अब ये जो ट्वेंट एट्टी है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस ठीक है इधर ऐड हो रहा है ना तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट तो कितना आ गया बी आपके पास 48 सेंटीमीटर ठीक है यही अदर साइड है वही हमने फाइंड आउट करनी थी देयर फोर अदर साइड इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्लियर नाउ स्टूडेंट सेवन नंबर जो सम है एरिया आपको गिवन है और हाइट आपने फाइंड आउट करनी है पैरलर साइड्स एक दोनों जो हैं वो गिवन है आपको नाउ स्टूडेंट लेट कर लो ए और बी जो आपको गिवन है और एच जो है आप एच सेंटीमीटर लिख लो ठीक है अब एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आपको गिवन है इस तरह फॉर्मूला लगा लो आप वन ओवर टू ए प्लस बी इन टू एच इक्वल टू वन एट्टी ठीक है फिल कर दो यहाँ पे वन ओवर टू ए ट्वेंटी फाइव और बी फिफ्टीन एच आपने फाइंड आउट करना है एच ही रहने दो इक्वल टू वन एट्टी ठीक है इन दोनों को ऐड कर लो ये टू जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा वन एट्टी से मल्टीप्लाई तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया फोर्टी इं एच इक्वल टू वन एट्टी इंटू टू सो ऑल इक्वेशन आती है ना सभी को ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना इस तरफ आके तो करोगे इसको ये पहले टू के टेबल में ट्वेंटी ठीक है जीरो के साथ जीरो कट गई और टू के टेबल में ये नाइन पे तो हाइट आपके पास आ गई नाइन सेंटीमीटर क्लियर इतना इजी है ना स्टूडेंट लेकिन बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा अब फटाफट से लाइक कर दो क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते इसमें कौन सा बेटा आपके पैसे लगने हैं इससे होगा ये कि सभी बच्चों तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएंगी और वो भी बेनिफिट ले पाएंगे पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से है ना नाउ स्टूडेंट एट नंबर साहब देखो इफ वन ऑफ पैरलर साइड इज लेस दैन द अदर बाय सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो अगर मान लो एक एक्स है तो दूसरी कितनी हो गई एक्स माइनस सिक्स लेस कहा ना उसने ठीक है फाइन टू पैरलर साइड इफ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज दिस एंड इट्स हाइट इज दिस नाओ हाइट और एरिया गिवन है लेट ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स और एच इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रिपीजियना आपको गिवन है 714 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये फिल कर दो अब यहाँ पे एरिया एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे वन ओवर टू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल टू सेवन हंड्रेड फोर्टीन ठीक है नाओ वन ओवर टू ए के प्लेस पे एक्स और बी के प्लेस पे एक्स माइनस सिक्स इंटू एच कितना सेवन ठीक है इक्वल टू सेवन हंड्रेड फोर्टीन now वन ओवर टू इंटू एक्स एक्स टू एक्स माइनस सिक्स अंदर आ गया ब्रैकेट के इंटू सेवन इक्वल टू सेवन हंड्रेड फोर्टीन ठीक है ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने तो सॉल्व द क्वेश्चन आती है सभी को ये जो सेवन और ये टू इस तरफ जाके रैसी ब्रोकल हो जाएगा टू मल्टीप्लाई और सेवन डिवाइड ठीक है नाउ यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सेवन के साथ डिवाइड करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1428 आएगा सेवन से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 204 ठीक है नाउ 2x एक्स सिक्स दूसरी तरफ जाके 204 में ऐड हो जाएगा ये आ गया 210 एक्स की वैल्यू कैसे आएगी टू को डिवाइड कर दोगे इस तरफ ठीक है डिवाइड करके टू हंड्रेड टेन को टू से एक्स आएगा वन हंड्रेड फाइव ठीक है तो ये आ गया a हमारे पास हमने लेट किया था ना a इक्वल टू एक्स तो a आ गया 105 यानी कि वन साइड आ गई वन पैरलर साइड 105 और अदर पैरलर साइड x माइनस सिक्स था तो x के प्लेस पे 105 हंड्रेड माइनस सिक्स ठीक है कितना आ गया 99 सेंटीमीटर क्लियर यही हमने जो पैरलर साइड है वो फाइंड आउट करनी थी नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट नाइन नंबर साम देखो दीटर ऑफ ट्रिपीजियम इज दिस है इट्सिटर इच एंड एरिया एरिया जो है हमने फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे एक ट्रिपीजियम बना लोगे ये पैरलर साइड ये नॉन पैरलर ठीक है तो नॉन पैरलर उसने ट्वेल्व कही है तो ये ट्वेल्व हो गई इच ठीक है और हाइट दी हुई है ये टेन अब ये वाली जो हमने फाइंड करनी है इसका एरिया और ये पैरलर साइड्स ठीक है पैरलर साइड होंगी तभी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं तो पहले पैरलर साइड जो हैं ए और बी लेट करके वो फाइंड आउट करोगे नाउ स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है तो पैरीमीटर होता क्या है सभी साइड की प्लस यानी कि ए प्लस ट्वेल्व प्लस बी प्लस ट्वेल्व जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा जो उसका पैरीमीटर गिवन है ये आ गया हमारे पास तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस ए ट्वेंटी फोर इक्वल टू सिक्सटी ए प्लस बी इक्वल टू सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया थर्टी सिक्स नाओ ए प्लस बी यानि कि सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास आ गया थर्टी सिक्स ठीक है इसे वन नंबर दे लो इक्वेशन नंबर नाउ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ठीक है वो लिख लो फॉर्मूला ये लिख लोगे ऐसे ठीक है नाउ ये तो हमारे पास है वन से एच भी गिवन है टेन तो फिल कर दो यहाँ पे ए प्लस बी के प्लेस पे थर्टी सिक्स इन टू एच टेन तो ये ए प्लस बी फ्रॉम वन ठीक है वन से लिया ना क्वेश्चन से तो ऐसे लिख लोगे यहाँ पे नाओ सॉल्व कर लो इसको कितना टू के टेबल में टेन फाइव पे कट गया थर्टी सिक्स को फाइव से रफ में मल्टीप्लाई कर लो तो सामने आपके पास एरिया जो आएगा वन हंड्रेड एट्टी सेंटीमीटर क्लियर यही हमने फाइंड आउट करना था नाउ टेन नंबर हम देखो स्टूडेंट द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज दिस एरिया गिवन है हमें ठीक है और डिस्टेंस दिया हुआ है टू पैरलर साइड का इफ द डिफरेंस बिटवीन पैरलर साइड इज फाइव फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरलर साइड्स स्टूडेंट इस सम में आपको हाइट और ये जो एरिया ट्रिपीजम का वो गिवन है तो इस तरफ फॉर्मूला लगा दोगे वन ओवर टू ए प्लस बी ये समो पैरल साइड लेट ए और बी है इन टू एच इक्वल टू दिस ठीक है ये वन ओवर टू ए प्लस बी इन टू एच कितना है ट्वेंटी टू ठीक है ये कटिंग हो गई यहाँ पे इलेवन ए प्लस बी इक्वल टू ये सो सोल्व इक्वेशन होगी ना इलेवन उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो ये हमें पता है डिवाइड होके इलेवन के, के टेबल में कहाँ पे आता है वन ट्वेंटी वन पे ठीक है तो ये ए प्लस बी हमारे पास आ गया वन ट्वेंटी वन स्टूडेंट उसने एक और चीज़ हमें गिवन थी कि दोनों का डिफरेंस जो है ये ए प्लस बी आया है ना यहाँ पे ठीक है डिफरेंस हमें गिवन था डिफरेंस क्या था पैरेलल साइड का ए माइनस बी डिफरेंस मीन्स माइनस दोनों की किसके इक्वल थी फाइव के ठीक है तो ये एक इक्वेशन हो गई जो हमारे पास यहाँ से ए प्लस बी आया और ये हमें गिवन है ठीक है नाउ इन दोनों इक्वेशन से हम ए और बी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो एक से और दूसरी में फिल कर दो ठीक है जहाँ दोनों को क्या करो वन प्लस टू को एड देखो एड करने पे ये दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन वन और टू को एड करेंगे बी और बी ये ऐड होके एक प्लस का एक माइनस का कट गए ना ए और ए कितने आ गए टू ए इक्वल टू ये दोनों ऐड करके वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो ए कितना आ गया हमारे पास वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ओवर ये टू डिवाइड हो जाएगा ना इस तरफ जाके नाउ कटिंग ओके सिक्सटी थ्री ठीक है तो ए आ गया हमारे पास सिक्सटी थ्री नाओ पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ठीक है ए के प्लेस पे सिक्सटी थ्री प्लस बी इक्वल टू वन ट्वेंटी वन तो बी तो जो है इस तरफ ही रहेगा वन ट्वेंटी वन में से सिक्सटी थ्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगा फिफ्टी एट सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ से हमारे पास ए आ गई साइड ये वाली और ये बी क्लियर सेंटीमीटर क्लियर स्टूडेंट इजी है स्टूडेंट लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए ठीक है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा आपको नाउ स्टूडेंट इलेवन नंबर सम जो है फिगर दी हुई है आपको एरिया ट्राइंगल का और ट्रिपीजियम का हमने फाइंड आउट करना है ठीक है ये डायग्राम से यहाँ पे ए e आपको गिवन है ट्वेल्व अगर ये ट्वेल्व है तो ये सामने भी ट्वेल्व होगी ये एक राइट right एंगल बन रही है ठीक है ये आ, ट्रिपीजियम है तो ट्रिपीजियम में ये क्या है इसके प्रपेंडिकुलर हाइट ठीक है दो पैर साइड में तो ये प्रपेंडिकुलर ये ट्वेल्व साइड ये फिफ्टीन ये वाली थर्ड साइड हम राइट एंगल ट्राइंगल की फाइंड आउट कर सकते हैं बाई थ्योरम ठीक है ये हाईपोटिन्यू स्केयर इक्वल टू बेस स्र प्लस परपेंडिकुलर स्केयर तो यहाँ पे फिल कर दो बी सी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है तो उसको बी सी रखोगे ठीक है ये फिल कर दो सी डी कितनी सी और डी आपके पास फिफ्टीन का स्क्यर इस तरफ बी डी जो है वो ट्वेल्व का स्केयर ठीक है फिफ्टीन को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करो टू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू बी सी प्लस ट्वेल्व को ट्वेल्व से वन फोर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बी सी स्क्यर आपके पास आ गया 225 ट्वेंटी फाइव माइनस वन फोर्टी करने पे आपके पास आएगा 81 अब 81 हमें पता है किसका स्केयर रूट होता है नाइन नाइन जट्टी वन होता है ना तो नाइन का ठीक है रूट में दो पेयर बने तो एक जो है रूट के बाहर आ जाता है ठीक है रूट खत्म हो जाएगा तो बी सी आपके पास आ गई नाइन सेंटीमीटर ठीक है ये वाली नाओ बेस आ गया आपके पास हाइट दी हुई है ठीक है आपको ट्वेल्व तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू वन ओवर टू इंटू बेस इन हाइट बेस कितना है बी सी और हाइट बी डी तो वन ओवर टू बेस नाइन हाइट ट्वेल्व ये टू के टेबल में ट्वेल्व सिक्स पे कट रहे हैं नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ सेकंड जो है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम वो फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला लगा लो ये फार्मूला लगा लोगे गे वन ओवर टू ए प्लस बी इन टू एच नाउ स्टूडेंट ये जो है ट्वेंटी है ये भी ट्वेंटी और ये पूरी जो है ये वाली साइड ये नाइन आया ना तो टोटल ये कितनी होगी हमारे पास ट्वेंटी प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर ठीक है ये ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर और ये ट्वेंटी सेंटीमीटर नाउ ए के प्लेस पे आप फिल कर दोगे ट्वेंटी नाइन और बी के प्लेस पे ट्वेंटी इन टू एच ट्वेल्व ठीक है नाउ यहाँ पे कटिंग कर दो टू के टेबल में ट्वेल्व सिक्स पे इन दोनों को ऐड करो और सिक्स से मल्टीप्लाई फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई सिक्स दोनों को सामने मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा टू नाइन्टी फोर सेंटीमीटर स्क्र क्लियर ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्लियर स्टूडेंट नाउ स्टूडेंट प्रैक्टिस करो अच्छे से इसका फर्स्ट फोर्थ और ये जो इलेवेंथ सम है ये इम्पोर्टेंट है इसमें से सभी सम जो हैं अपने अच्छे से रिवाइज करने हैं ये तीनों जो सम हैं ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक like ज़रूर किया करो ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें और अच्छे से स्टडी कर पाए नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है ऐसी और स्टडी बेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें थैंक यू